देखिए सचिन, बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। इस हादसे में दो महिलाओं की मौत हुई है। ये जो फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा गिरा, उसकी चपेट में ये दो महिलाएं आईं, जिनकी मौत की जानकारी इस वक्त मिल रही है। बहुत ही दुखद खबर ये, और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण कि देश की आर्थिक राजधानी में फुटओवर ब्रिज का एक हिस्सा गिरता है और उसमें दो महिलाओं की मौत हो जाती है। सुधीर जी, 1000 करोड़ रुपए का मुंबई बीएमसी का बजट है, ये बीएमसी के अंडर में आता है। ये हजारों लोग यहाँ से ट्रेवल करते हैं। 10 मरतबा सरकार को पता है कि ये हादसा हो सकता है, मगर सरकार ने कुछ नहीं किया। 6000 करोड़ रुपया सरकार के पास है मॉन्यूमेंट बनाने के लिए, मगर सरकार के पास इतना रुपया नहीं है कि लोगों की सेफ्टी की परवाह करे। तो हमारी सरकार से इस वक्त ये मांग है कि जो भी इस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं, चाहे वो म्यूनसिपल कमिश्नर हो या बीएमसी कर्मचारी हो या स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हो, उनके खिलाफ सरकार कार्रवाई करे सख्त से सख्त और उनको सस्पेंड करे। क्योंकि बार बार सरकार को बोलने से भी कुछ नहीं हो रहा है। आज इनकी जाने चले गई अगर किसी की, और सरकार आएगी मुआवजा दे देगी, मगर जान तो वापस नहीं आएगी। पब्लिक सेफ्टी के लिए क्या कर रही है सरकार? कुछ भी नहीं। अब सस्पेंड करके भी क्या होगा? इसलिए हम चाहते हैं कि सरकार फौरी तौर से जितने भी इस तरह के ब्रिज है उसकी मरम्मत करे। ऑडिट करके रख दिया लेकिन काम क्यों नहीं किया? अब बीएमसी ब्लेम करेगी रेलवे को, रेलवे ब्लेम करेगा बीएमसी को, मगर इस दरमियान में जाने तो चले गए हमारे लोगों की, बेकसूर लोगों की। क्यों सरकार ऐसा करती है? इसलिए सरकार को इमीडिएट एक्शन लेना चाहिए और सस्पेंड करना चाहिए विदाउट इंक्वायरी जो भी इसमें इन्वॉल्व है। वो उनके लिए ये सवाल उठाने बहुत ही आसान हो जाते हैं सचिन, और ये कहा जाता है कि सरकार कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही है। इस वक्त राकेश त्रिवेदी हमारे सहयोगी लगातार इस वक्त मौके पर पहुंचे हुए हैं और अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। राकेश, सबसे पहले तो आप अपडेट दे दें। राकेश, मेरी आवाज क्या आप तक पहुंच पा रही है? लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं किस तरह से वहां पर जो मलबा हटाने का काम है इस वक्त जारी है। एनडीआरएफ की टीम मौके पर मौजूद है और एक और रिस्पांस टीम भी बताई जा रही है रीजनल सेंटर से, जो कि भेज दी गई है इस वक्त मौके पर। रीजनल रिस्पॉन्स सेंटर मुंबई से ये टीम पहुंच चुकी है इस वक्त मौके पर। राकेश त्रिवेदी, क्या एडिशनल इन्फॉर्मेशन आप दे सकते हैं? विनय तिवारी हमारे साथ, हमारे दूसरे सहयोगी। क्या इन्फॉर्मेशन है इस वक्त? दो महिलाओं की मौत की खबर आ रही है इस वक्त, क्योंकि अब तक घायलों की खबर थी, अब दो महिलाओं की मौत की खबर भी है। काफी अफरा तफरी का माहौल है सचिन वहां पर, और देख ही रहे हैं आप किस तरह से वहां पर जो मौके पर इस वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और दो महिलाओं की मौत की खबर। ये पहले कहा जा रहा था कि सिर्फ लोग घायल हुए हैं, उन्हें अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है, लेकिन दो की हालत उनमें से गंभीर भी बताई जा रही थी। अब ये वही दो महिलाएं हैं, और आपको इस वक्त इस हादसे से जुड़ी हुई 5 बड़ी खबरें फटाफट हम सबसे पहले बता देते हैं। इंजर्ड लोग वहाँ से आए। मेरा नाम श्रीधर चिंतामणि सालवे। आपने कितने कितने लोगों की? हम सब लोग, हमारा सब अपना स्टाफ है जो अपना पब्लिक है, सब ने अपने मेलअप किया। 1 नंबर 5 और 1 नंबर 4 और कैजुअलिटी में हमारा सब स्टाफ, सिस्टर, डॉक्टर, विक्टर सब। एक बार फिर से बता पाएंगे कि कितने लोग? 20-25 है। डिटेल नहीं बोल सकता है, पर है 20 तक है, 20-25 है। 1 नंबर 4 में है, कैजुअलिटी में है, और 1 नंबर 5 में हम लोग एक ही है उधर भी। उसमें एक मर गया, 15 एक मर गया।